नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सीक्रेट्स ऑफ माइक्रोवेव कुकिंग में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोवेव में मक्खन से घी कैसे बनाते हैं। माइक्रोवेव में मक्खन से घी बनाना बहुत ही इजी है। इसी के साथ अगर हम बात करें, जब हम घी गैस पे बनाते हैं, एक तो जिस यूटेंसिल में घी बनाया जाता है उसको बाद में साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, और दूसरा उसको सुपरविज़न की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब तक घी बन नहीं जाता उसका ध्यान रखना पड़ता है। सेम माइक्रोवेव में जब हम बनाते हैं, एक माइक्रोवेव बोल लेना है, उसमें मक्खन डालना है, माइक्रोवेव के अंदर रखना है और टाइमर सेट करना है और भूल जाना है जब तक कि घी बन नहीं जाता। तो आइए सीखते हैं माइक्रोवेव में मक्खन से घी कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें मक्खन से घी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें मक्खन चाहिए, क्योंकि इसके बिना घी बनेगा नहीं। तो मक्खन यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिया है, और जिस बोल में हमने घी बनाना है वो बोल लिया है, ये बोरोसिल का बोल है। नॉर्मल कांच का बोल आपने नहीं यूज़ करना, बोरोसिल क्वालिटी का ही यूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा। और बॉल का जो साइज़ है वो इतना होना चाहिए कि जितना हम इसमें मक्खन डालें तो थोड़ी सी स्पेस, यानी कि हाफ स्पेस उसको चाहिए, क्योंकि जब वो बॉयल होगा तो वो स्पिल ओवर बाहर नहीं होगा। ये ना हो कि बॉल आप लोग छोटा ले लें, उसको आप मक्खन से भर दें तो बाद में जब वो हीट होगा तो बॉइलिंग तो थोड़ी बहुत होगी ही होगी। तो आपने बॉल एक बड़ा ले लेना है कि जिसमें स्पिल ओवर होने की किसी तरह का भी कोई भी चांस ना हो। और दूसरा हमने यहाँ पे बॉल लिया है जिसमें हम लोग घी बनने के बाद ट्रांसफ़र करेंगे, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे चेक करने के लिए वेट मशीन ली है। आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अपने लिए यहाँ पे चेक करने के लिए ली है और आप लोगों को दिखाने के लिए ली है कि 500 ग्राम मक्खन से हमें कितना घी मिलेगा। और इसके साथ ही हमें चाहिए ये रेसिपी बुक। हम घी को हम बनाएंगे ऑटो कुक मेन्यू में, तो वो हम देखेंगे कि वो कौन से नंबर पे सेट है। तो यहाँ पे हमने मक्खन को बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और उसका साथ ही वेट कर लिया है, 500 ग्राम इसका वेट है। अब हम इसको माइक्रोवेव में लगाएंगे ऑटो कुक मेन्यू, यानी कि घी ऑप्शन को हम सेट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। LG माइक्रोवेव का ये बेनिफिट है कि इसमें घी मेकिंग की जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक आती है, हमने बस घी बटन दबाना है और स्टार्ट कर देना है। टाइमिंग और मोड ये ऑटोमेटिक सेट करेगा। अब इसके साथ ही आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई हमारे पास तो LG का माइक्रोवेव नहीं है तो हम कैसे सेट करेंगे। ये मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कोई अदर माइक्रोवेव में आप लोग घी को कैसे बना सकते हैं मैनुअल सेटिंग करके। अब हमने मक्खन को माइक्रोवेव में प्लेस करना है, डोर को ओपन करेंगे, बोल को हमने इसमें प्लेस किया और यहाँ पे डोर को किया क्लोज। यहाँ पे रेसिपी बुक के हिसाब से बताए हुए कोड पे इसको हमने सेट किया और यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है। तो मोड और टाइम इसने ऑटोमेटिक ले लिया है, यानी कि आधा किलो मक्खन से 15 मिनट में LG माइक्रोवेव में जो घी है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 15 मिनट है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होने ही वाले हैं, फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जो मक्खन से घी है वो माइक्रोवेव में कैसा बना है। तो यहाँ पे टाइमिंग जो है वो, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टाइमिंग है वो यहाँ पे ओवर हो गई है, और 15 मिनट के साथ ही आधा किलो मक्खन से घी हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो घी है वो बिल्कुल रेडी है, और अगर आप देखें इसके बॉटम पे तो जो वेस्टेज है वो भी बहुत कम है। और दूसरा, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि जो बोल है वो आपने बड़ा लेना है, उसे क्या होगा कि जो घी है वो स्पिल ओवर नहीं होगा और हमारी जो कैविटी को ख़राब नहीं करेगा। तो बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसको हम दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और वेट मशीन पर वेट कर लेंगे कि ये जो घी है वो कितना है। तो घी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मल हो गया है, तो अब हम इसको दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ ही इसको हम छान लेंगे ताकि जो वेस्ट है वो उसमें मिक्स ना हो पाए, और फिर इसका फाइनल हम वेट देखेंगे कि कितना आया। तो यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जो मक्खन है दोस्तों वो हमने यहाँ पे 500 ग्राम यानी कि आधा किलो यूज़ किया था। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो घी है वो 396 ग्राम यहाँ पे हमारे पास मक्खन से निकला है। तो बात करें वेस्टेज की, तो जो वेस्टेज है वो भी बहुत ही कम निकली है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं जिनके पास LG का माइक्रोवेव नहीं है या माइक्रोवेव में घी का ऑटो कुक मेन्यू नहीं है, तो करना क्या है।
सिंपल दोस्तों, ये जो मोड है ये माइक्रो मोड है, जिस मोड पर आप लोग खाना गर्म करते हैं। सिंपल मोड वही वाला यहाँ पे आपने सेट कर लेना है। बस ध्यान एक चीज़ का रखना है कि इसको 100% पावर पे नहीं चलाना। क्या करना है, आप इसको 60% पावर पे सेट कर लीजिएगा। अगर आप इसको 100% पावर पे चलाएंगे तो एकदम से गर्म होगा और एकदम से ज़्यादा हाई टेम्परेचर जाएगा, और उससे क्या होगा कि बॉयल होने का, जो स्पिल ओवर होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो उससे फिर क्या होगा कि आपके माइक्रोवेव के अंदर की जो कैविटी है वो ख़राब हो जाएगी। अब पावर लेवल को कैसे कम करना है, शॉर्ट में आपको जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कुक मोड, यहाँ पे इसमें इस माइक्रोवेव में कुक मोड आता है। कुछ माइक्रोवेव पे यहाँ पे माइक्रो मोड लिखा होगा, कुछ माइक्रोवेव पे पावर लिखा होगा। तो अगर पावर लिखा होगा तो वो भी आपका सिंपल माइक्रो मोड है। तो उसमें जो पावर लेवल्स हैं वो आपने कैसे सेट करने हैं, यहाँ पे देखिए, कुक मोड मैंने दबाया तो 900 वॉट यानी कि कुक मोड, और माइक्रो मोड 100% पावर दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये घुमाने वाला होगा तो घुमाएंगे तो 720 इसकी जो है 80% पावर है। सेकंड स्टेप जो है वो 540 इसकी 60% पावर है। अगर बटन प्रेस करने वाला है तो माइक्रो को प्रेस करें तो वो आपका 100% पावर आएगी। फिर से प्रेस करेंगे तो 80% पावर है, फिर से प्रेस करेंगे तो 60% पावर है। यानी कि आपने 20-20 माइनस कर लेने और समझ लेना कि वो आपकी पावर लेवल है। तो यहाँ पे 60% पावर लेवल सेट हो गया और यहाँ पे आप लोगों ने अपने माइक्रोवेव को स्टार्ट कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि जैसे इस माइक्रोवेव में ऑटो कुक मेन्यू के साथ हमने जब मक्खन से घी निकाला तो स्पिल ओवर नहीं हुआ, तो सेम आपके माइक्रोवेव में भी सेम ऐसे ही बनेगा और स्पिल ओवर नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई माइक्रोवेव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त, धन्यवाद।